हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे टेस्टी स्टार्टर चिकन 65। तो चिकन 65 के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं मेन्यू में 65 नंबर पे ये रेसिपी थी तो इसलिए इसका नाम चिकन 65 पड़ा, और कुछ लोग कहते हैं 1965 में ये बहुत पॉपुलर थी इसलिए इसका नाम चिकन 65 पड़ा। खैर जो भी वजह हो, लेकिन वाकई में ये डिश बहुत लाजवाब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो चिकन 65 बनाने के लिए सबसे पहले 1/2 kg बोनलेस चिकन लेंगे और इसे 1 से 1.5 इंच के टुकड़ों में कट कर लेंगे इस तरह से। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 कप दही, 1 टीस्पून नींबू का रस और 10 से 12 पत्ते करी लीव्स के। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसे मैरिनेट होने के लिए कम से कम आधे घंटे के लिए रखेंगे। तो आधा घंटा हो गया है, अब इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो डालेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून चावल का आटा और 1 एग वाइट। इस तरह से व्हिस्क करके डालेंगे। आप एग वाइट की जगह पूरा एग भी डाल सकते हैं। और अब अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल मीडियम हॉट गर्म करेंगे तो 1 टूथपिक डालकर इस तरह चेक करेंगे। अगर इमीडिएट बबल आने लगे इस तरह आसपास तो ऑयल परफेक्टली गर्म है। तो अब एक एक करके चिकन के पीसेस इसमें डालेंगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे ताकि चिकन अंदर तक पक सके। एक बार में सारे पीसेस नहीं डालेंगे, अदरवाइज ऑयल का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और चिकन क्रिस्पी नहीं होगा। तो मीडियम फ्लेम पर चिकन को 3 से 4 मिनट उलटते पलटते हुए गोल्डन और क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये हो गए, इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह बाकी के पीसेस भी फ्राई कर लेंगे। अब एक मसाला तैयार करेंगे। तो एक बोल में लेंगे नमक 1/4 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नींबू का रस और अब इसमें 2 टेबलस्पून पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक पैन गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाए तो डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन, 10 से 12 पत्ते करी लीव्स के। हल्का सा सॉटे करेंगे लहसुन का कलर लाइट गोल्डन होने तक। और अब ऐड करेंगे बनाया हुआ मसाला। अगर आप इसे थोड़ा सा सॉसी बनाना चाहते हैं तो इसमें 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून टमाटो केचप या फिर रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे 30 to 45 सेकेंड्स लो फ्लेम पर और अब डालेंगे फ्राई किए हुए चिकन के पीसेस। मिक्स करेंगे अगेन। हमारी क्रिस्पी टेस्टी चिकन 65 बनकर तैयार है। गर्म गर्म सर्व करें और अपनी फैमिली को खुश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं और इन्जॉय करें।